हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में स्टडी किया है, प्लस टैक्सोनॉमी जिसमें अलग अलग डेफिनेशन हमने पढ़ी है, टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लास और कैरेक्टराइजेशन, इन सभी की। उसके बाद है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइंटिफिक नेम दो वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। According to this nomenclature, scientific names of living organisms are written based on following set of rules. ठीक है, आपको नोट्स यहीं से बनाने हैं, बाकी जो बचेगा वो मैं सेंड कर दूंगा। तो ये पॉइंट लिखने के बाद आपको मैं बोल रहा हूं वो रूल्स लिखने हैं। फर्स्ट, द साइंटिफिक नेम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन फ्रॉम लेटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। सेकेंड, साइंटिफिक नेम ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स टू वर्ड्स अमंग विच फर्स्ट इज जीनस नेम एंड सेकेंड इज स्पीसीज नेम। थर्ड पॉइंट, जीनस नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज नेम विद ए स्मॉल लेटर। फोर्थ, व्हेन हैंड रिटन द साइंटिफिक नेम्स must be underlined separately and when typed they must be typed in italics. Fifth, the name of author can be written at last in some scientific names. ठीक है, पांच हो गए, उसके बाद लिखें। For example, Mangifera indica Linn, इसका मतलब यह कि लीनियस ने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। अगर ऑथर नेम हो तो तीसरा वर्ड भी लगा देंगे, अदरवाइज दो वर्ड में ही आएगा साइंटिफिक नेम। ये सारे लिख दें आप, लिन को लिख देना ऑथर्स नेम। सोलिनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का नेम है, तो दो तो प्लांट हो गए। होमो सेपियंस ह्यूमंस, राना टिग्रिना दो एनिमल्स हो गए। साल्मोनेला टाइपीमेरियम, टाइफाइड वाला बैक्टीरिया। विब्रियो कोलेरी, कोलेरा करने वाला। हर एक में देखें आप, दो वर्ड हैं, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया गया है। जीनस नेम को मैंने कैपिटल में लिखा है, स्पीसीज नेम को स्मॉल लेटर्स में लिखा है। ठीक है, तो ये सेट ऑफ रूल है पांच, और उसके बाद ये एग्जांपल लिखना है। नेक्स्ट आइडिया में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्स देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इनटू वेरियस कैटेगरीज व्हिच आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शो करती हैं कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस कहां पर है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज उसी तरह है जैसे आपका एड्रेस है। लार्ज से स्मॉल लेवल पर चलें तो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो क्या है, कंट्री। कंट्री में स्टेट, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में तहसील, तहसील में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में विलेज, और विलेज में जो भी मोहल्ला होगा, और मोहल्ले में जो भी गली होगी, गली में जो भी घर होगा। ठीक है, तो वो लार्ज से स्मॉल की तरफ जो कंप्लीट एड्रेस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। जिस तरह से मैंने ये सब कैटेगरीज बताई उसी तरह टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होते हैं, सबसे बड़ी, इसके तुरंत बाद लिख देना। ठीक है, इस पॉइंट के तुरंत बाद, और इस तरह से लिखें कि एक लाइन में ये, फिर अगली लाइन में जाए ये खत्म हो रहा है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे सात आएंगे। तो सबसे पहले लिखे किंगडम, उसके बाद दूसरी है फाइलम ओब्लिक डिवीजन, तीसरी है क्लास, चौथी है ऑर्डर, पांचवी है फैमिली, छठी है जीनस, और सेवंथ है स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, स्पीसीज। ये लिखने के बाद पहला पॉइंट ये लिखना था, फिर ये कैटेगरीज, उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूं वो लिखिए, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, द सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी डिक्रीजेस फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। मतलब स्पीसीज से किंगडम तक चलते हैं
तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल उनके बीच में आपस में सिमिलरिटीज घटती जाती है। ठीक है, तो तीन पॉइंट हो गए, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा मैंने जो भी बोला। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, द सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये जो आपने सीक्वेंस में लिखा है इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैविंग सर्टेन कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप्स इज कॉल्ड टैक्सोन। टैक्सोन टर्म क्या है? ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो कि आपस में सेम है और दूसरे किसी ग्रुप से अलग है उसको टैक्सोन बोलते हैं। जैसे टैक्सोन ऑफ ह्यूमंस इज मैमेलिया। तो मैमेलिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन है, काउ है, बफेलो है, डॉग है, कैट है, ये सभी और किसी ग्रुप से अलग है तो इन सभी के ग्रुप को हम टैक्सोन बोलते हैं। रैंक और लेवल इन क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस इज क्लास। पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम में किसी भी एक रैंक को हम कैटेगरी बोलते हैं। कैटेगरी किंगडम, कैटेगरी फाइलम और डिविजन, कैटेगरी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाएं जिसमें मैं बताता जा रहा हूं, यहां तक इसको समझिए। अब हम एक एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पीसीज से स्टार्ट करके किंगडम तक स्टडी करेंगे। पहली हेडिंग आप डालें स्पीसीज, और स्पीसीज में पहला पॉइंट लिखें, स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स एंड आर एबल टू रिप्रोड्यूस गिविंग बर्थ टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, FERTILE, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर्स ऑफ स्पीसीज शो मैक्सिमम सिमिलरिटीज एंड एग्जाम्पल्स आर, ये एग्जाम्पल लिखें, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलेनम निग्रम मकोई, सोलेनम मेलोंगेना ब्रिंजर। ये तीनों प्लांट की स्पीसीज हैं। दूसरा लिख दीजिए, पेंथेरा लियो लॉयन, पेंथेरा टिग्रिस टाइगर, पेंथेरा पार्डस लियोपार्ड, ये एनिमल की स्पीसीज है। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर करते हुए चले, ये लिख दिए एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखें जीनस, इसमें डेफिनेशन लिखें, द ग्रुप ऑफ स्पीसीज, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीसीज इन ए जीनस शो मोर सिमिलरिटीज देन स्पीसीज ऑफ अनदर जीनस। एक जीनस में प्रेजेंट जो स्पीसीज होती हैं वो आपस में ज्यादा सिमिलरिटी शो करती है दूसरे जीनस में प्रेजेंट स्पीसीज की बजाय। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। उसके बाद एग्जाम्पल लिखिए, पूरा लिखना आप, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलोंगेना, तीनों मिलकर, तीनों स्पीसीज है मिलकर एक जीनस बनाएगी सोलेनम। पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा पार्डस, तीनों स्पीसीज है मिलकर एक जेनेरा बनाएंगी, जीनस बनाएगी पेंथेरा। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज क्या हो गया? जीनस। उसके बाद लिखिए फैमिली, देखिए द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, GENERA, जो जीनस का प्लूरल है, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा इज कॉल्ड फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट, द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली शो लेस सिमिलर कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू मेंबर्स ऑफ ए जीनस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम दतूरा पिटूनिया, ये तीनों जीनस हैं, तीनों ने मिलकर फैमिली बनाई है सोलेनेसी प्लांट्स की। पेंथेरा जो इन सब की जीनस था, और फैलिस जो कि कैट का जीनस है, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं फैमिली फैलिडी। मतलब इन दोनों में सिमिलरिटी है तो एक फैमिली में आ गए, इन तीनों में सिमिलरिटी है तो एक फैमिली में आ गए। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर की डेफिनेशन लिखिए, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज इज कॉल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन ऑर्डर हैव लेस सिमिलर कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ए फैमिली। ओके, दो पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल सोलेनेसी
कॉन्वोल्वुलेसी, इनके नीचे ब्रैकेट में लिख देना फैमिलीज, मिलकर बनाएंगे ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, इन्होंने ग्रुप करके पॉलीमोनियल ऑर्डर बना लिया। फेलिडी जो कि टाइगर्स और कैट्स की फैमिली थी, कैनिडी ये डॉग्स की फैमिली है, दोनों ने मिलकर ऑर्डर बना लिया कार्निवोरा। इनके फूड हैबिट्स के बेसिस पर ये कार्निवोर स्पीशीज है, तो रिलेटेड ये फैमिलीज ने ये ऑर्डर बना लिया, रिलेटेड प्लांट फैमिलीज ने ये ऑर्डर बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्लास, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स इज कॉल्ड क्लास। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमोनियस ये ऑर्डर था, इसी से रिलेटेड एक और ऑर्डर है सेपिंडेल्स, इन्होंने मिलकर बनाई क्लास डाइकोटिलिडनी, जिनको हम डाइकोट्स भी बोलते हैं, दो कोटिलिडन होते हैं। कार्निवोरा ये वाला था, इसके साथ एक और आ गया प्राइमेटा। प्राइमेटा में आते हैं ह्यूमंस, एप्स, मंकीज, ये सब। इन दोनों में करेक्टर सिमिलर थे तो क्लास बना ली मैमिलिया। मैमिलिया में मैमरी ग्लैंड होती है, इन सब में होती है मैमरी ग्लैंड। ठीक है, तो आप इसको थोड़ी लैंग्वेज में भी लिख दें, ये फ्लो चार्ट तो बनाने ही है, एक दो पॉइंट नीचे भी लिख दें कि प्राइमेटा ऑर्डर इंक्लूड्स मंकीज, ह्यूमंस, एप्स। ठीक है, उसके बाद फाइलम और डिवीजन। फाइलम यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, डिवीजन यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। क्लास डाइकोट और मोनोकोट, डाइकोटिलिडनी मोनोकोटिलिडनी दोनों मिलकर डिवीजन एंजियोस्पर्म बनाती है, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, क्लास मैमेलिया तो थी ह्यूमंस की, एविज हो गई बर्ड्स की, रेप्टीलिया हो गई स्नेक्स की, एम्फीबिया हो गई फ्रॉग्स की, फिशेज हो गई फिशेज की। इन सभी में बैकबोन यानी कि नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इसलिए सबको मिलाकर एक फाइलम में रख दिया कोर्डेटा। ठीक है, उसके बाद किंगडम, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिवीजन इज कॉल्ड किंगडम। डिवीजन एंजियोस्पर्म इनसे बना था, एंजियोस्पर्म के अलावा जिम्नोस्पर्म आपने पढ़ा है, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, पांच डिवीजन ने मिलकर एक किंगडम बना दिया प्लांटिक। कोर्डेटा जिनमें नोटोकोड होती है, नॉन कोर्डेटा जिनमें नहीं होती, वो मिलकर बना देंगे एक किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि एक स्मॉल कैटेगरी से लार्ज कैटेगरी कैसे बनती जाती है, ग्रुप होता जाता है आपस में, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आपस में ग्रुपिंग करते रहते हैं और उससे लार्ज कैटेगरीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप स्टडी करें। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके साइंटिफिक नेम्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको आना चाहिए, वो मैं आपको भेज दूंगा फोटो, लास्ट में वो ऐड कर दे कि जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का पूरा किंगडम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फाइलम सब कुछ लिखना है आपको, तो ऐसी कुछ ऑर्गेनिजम्स का मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा। बाकी आपको नोट्स जो वीडियो में बनाए ना उसी से बनाने, बस वो पिक्चर के नोट्स और ऐड कर दे। ठीक है, तो आप अच्छे से समझते हुए चले कि कौन सा ग्रुप टूगेदर करके क्या क्या फॉर्मेशन कर रहा है। इसको लैंग्वेज में भी लिखें, सिर्फ यही नहीं लिखे, मैंने दो पॉइंट जो डेफिनेशन लिखे हैं वो, और इनको भी दो एक पॉइंट में कन्वर्ट करें कि ये सब इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो नोट्स अच्छे बनाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम इन सभी ऑर्गेनिजम्स की टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए क्या क्या टूल्स को यूज कर सकते हैं, कहां कहां से सोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे कि हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करें। ओके, तो लैंग्वेज अच्छी लिखें, नोट्स अच्छे बनाएं। थैंक यू।